पूजा शकुन पांडे जी और उनके सभी साथी जो निर्दोष होते हुए भी जेल में बंद हैं, हम उनके साथ जो अत्याचार हो रहा है उसका विरोध करने के लिए हम लोग यहां आए हैं। अत्याचार हो रहा है, एक गांधी का उन्होंने पुतला फूंका और उन्हें जेल में डाल दिया गया, इसका विरोध करने के लिए हम लोग आए हैं। मैं गांधी को गद्दार मानता हूं। राष्ट्रपिता है नहीं वो, 1 करोड़ हिंदुओं का कातिल जिसके कारण 1 करोड़ हिंदू मारे गए, और जिस व्यक्ति ने गांधी का वध किया था मैं उसे देवता स्वरूप मानता हूं। आजाद भारत का पहला अमर बलिदानी पंडित नाथुराम गौडसे प्रातः स्मरणीय है मेरे लिए, मैं उन्हें रोज प्रणाम करता हूं। गांधी के कारण मेरी 50 लाख बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुए, उस गांधी का पुतला क्यों नहीं जलाया जाना चाहिए? और ये तो स्वतंत्रता है, भारत की किसी भी अभी तक संवैधानिक इकाई ने गांधी को भारत का राष्ट्रपिता घोषित नहीं किया है। और अगर आज आप लोग एक निष्पक्ष सर्वे करवा लें तो आप लोग ये अच्छी तरह से जान जाएंगे कि भारत में आज हिंदू समाज के 100 करोड़ लोगों में से कम 80% लोग गांधी से नफरत करते हैं। पूरी दुनिया के नेता जो हैं वो हिंदुओं की हत्या का षड्यंत्र रच रहे हैं, राजनीति हिंदुओं की हत्या का षड्यंत्र रच रही है और उसके साथ सारे हिंदू विरोधी शक्तियां उनके साथ आ गई हैं। योगी सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, अगर योगी सरकार से उम्मीद होती तो ये दुर्गति नहीं होती हिंदू की। योगी जी मुख्यमंत्री हो गए, मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हो गए, इन लोगों से क्या उम्मीद करनी, इन्हें जो मिलना था वो मिल गया। संत हैं योगी जी, लेकिन इसका क्या अर्थ है कि योगी गांधी की जहां से गांधी की हत्या हुई वो पिस्तौल योगी जी के दादा गुरु ने दी थी, आप जाकर उनसे सवाल पूछो। कौन नहीं जानता पूरे गोरखपुर में कि गांधी की हत्या के लिए जो प्रयोग पिस्टल गई थी, प्रयोग हुई थी वो गोरखपीठ से गई थी, कौन नहीं जानता इस बात को? दिग्विजयनाथ जी ने, महंत दिग्विजयनाथ जी ने, जो योगी के दादा गुरु हैं। योगी जी तो जब पैदा भी नहीं हुए थे, लेकिन वो पिस्टल तो इनके दादा गुरु के, ये तो उस विरासत के वो हैं। तो आज हम क्या उम्मीद कर लें, आज एक पुतला फूंक रहे हैं गांधी का? ये अहिंसावादी गांधी ने 1 करोड़ हिंदू तो बंटवारे में मरवा दिए थे जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। वो दुर्गति पूछो उन बुद्धों से जो पाकिस्तान से छोड़ के यहां आए थे, उन्हें अपनी बहन बेटियां किस तरह से छोड़ के भक्के आना पड़ा था, या बैठ दिलाने का मेरे पास कोई तरीका नहीं है। मैं उनका समर्थन करूंगा और अगर डॉक्टर पूजा शकुन पांडे की गिरफ्तारी होती है तो मैं उसके विरोध में, सरकार के विरोध में अनशन करूंगा।